करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की एक माइक्रो पेनिशियर के बारे में। डबल माइक्रो शेयर कह सकते हैं, डबल माइक्रो पेनिशियर कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ओनली 49 करोड़ का शेयर है, 49 करोड़ का है दोस्तों। और मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, इस कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में 144% के CAGR से रिटर्न्स बनाकर दिए अपने इन्वेस्टर्स को। और अभी ये कंपनी जो आपको 70% के डिस्काउंट पर बहुत ही अंडर बैलोड, मतलब कह सकते हैं हम कोड़ियों के भाव मिल रही है, ना कुछ पैसों में मिल रही है। बहुत ही गजब का शेयर है दोस्तों, माइक्रो पेनी शेयर है कहने को तो, लेकिन फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट्स देखेंगे, कंपनी का बिजनेस देखेंगे, और उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। सो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि कंपनी का मार्केट कैप 49 करोड़ का है। यहाँ पर कंपनी का करंट प्राइस जो है 58 रुपीज चल रहा है ओनली। अभी कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो 11.1 देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। कंपनी ने हाई लगाया 123 रुपये का और लो लगाया है 29 रुपीज का, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं ROC भी कंपनी का अपेक्षा 23% का है, और ROE भी कंपनी का यहाँ पे 22% देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 22 वो भी लगभग 23 है। यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की दोस्तों 126 रुपये निकल कर आ रही है, जो कि बहुत ही गजब की इंट्रेंसिक वैल्यू है। कंपनी का बहुत ही अंडर वैल्यू बना देती है इस शेयर को, मतलब कोड़ियों के भाव वाले शेयर होते ना, यही है वो शेयर कोड़ियों के भाव में मिलने वाले। डेट की बात करते हैं तो कंपनी पास डेट भी बिल्कुल कम है, 3.27 करोड़ का डेट है कंपनी पास, जबकि कंपनी पास 1.19 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व भी है, 11.5 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर इस माइक्रो पेनी शेयर में दोस्तों, अभी यहाँ पर देख सकते हो लाइबिलिटीज बहुत कम है, जबकि एसेट्स यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इस माइक्रो पेनी शेयर में होल्डिंग भी काफी अच्छी है, 48% की होल्डिंग है, ज्यादा ही है 48 से। कंपनी ने लास्ट 7 ईयर में 25% से ज्यादा की रेट से ग्रोथ किया है अपने शेयर्स में, और कंपनी में DII वालों की भी होल्डिंग है। मतलब एक माइक्रो पेनी शेयर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर उठा रखी है, 0.07% की होल्डिंग। पी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 27 देखने को मिल रहा है, जबकि स्टॉक का पी 11 देखने को मिल रहा है। तो इसलिए शेयर जो है पी के हिसाब से भी और इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से भी बहुत ही अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने एसेट से रिटर्न भी जनरेट कर पा रही है यहाँ पे, और कंपनी के पास डेट टू इक्विटी रेशियो, देखो पेनी शेयर पर डेट होना बहुत मतलब बुरी बात मानी जाती है, लेकिन इसके पास नहीं है डेट, बहुत कम है, बहुत कम, नेग्लेक्टेबल। अगर डेट किसी कंपनी के पास है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो एक से बहुत कम है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 102% के रेट से प्रॉफिट में ग्रोथ किया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कंपनी ने PEG रेशियो की बात करते हैं तो 0.11 इसका PEG रेशियो देखने को मिल रहा है, बहुत ही ग्रोथ का पोटेंशियल है। कैश भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है 30 लाख का। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स दिए जाना कि कंपनी जो है बहुत ही अंडरवैल्यूड है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ अपने आप को मार्केट में प्रेजेंस कर रही है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर्स की, तो दिसंबर 2019 में 12 करोड़ की शेयर्स थी, जो कि बढ़कर के बीच में यहाँ पर 34 करोड़ तक गई थी, और उसके साथ ही यहाँ पर फिर हमें 50 करोड़ तक भी इसकी शेयर देखने को मिली थी। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं दिसंबर 2022 में 24 करोड़ की शेयर देखने को मिल रही है, जो कि दिसंबर 2021 में 36 करोड़ की शेयर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ये शेयर जो हमें करेक्शन में देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी की शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी, और उसकी वजह से ये शेयर जो हमें 70% के डिस्काउंट पर 70% की करेक्शन के बाद देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कंपनी पास कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी, और स्टॉक का CAGR यहाँ पर काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। लास्ट 3 ईयर में 144% के CAGR से रिटर्न दिया, 5 ईयर में 37% का, 10 साल में 30% का, और 1 साल में 63% का, मतलब CAGR ऑल साल में ठीक ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व जो है कंपनी के पास 9 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर के 12 करोड़ हो चुका है। छोटी सी कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, 12 करोड़ का रिजर्व हो चुका है कंपनी के पास। और वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी पास कैश फ्लो की, तो बीच में कैश फ्लो 0 था, आप देख सकते हो अभी कैश फ्लो भी 1 करोड़ का हो चुका है। और वहीं अगर देख सकते हैं हम यहाँ पे कंपनी के पास दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करें, तो 48.3% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग हैं, उसके साथ ही यहाँ पर हमें रिस्क ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी में FII डे वाले की होल्डिंग बहुत ही कम है। तो अगर इसमें से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, तो वो होल्डिंग जो है अगर FII और DII वालों ने बाय नहीं किया तो पब्लिक के पास आएगी,
और वही सबसे बड़ी रिस्क होती है। तो दोस्तों अगर कोई पहली शेयर में आप पैसा लगाओ और उसमें कोई रिस्क ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी में कर्जा ज़्यादा होता है, किसी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम होती है, किसी के फंडामेंटल्स बेकार होते हैं, किसी की सेल्स लगातार गिर रही होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि यहाँ पर जो है पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ रही है। अगर प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो इसको डी आई वाले या एफ आई वाले बाय नहीं कर रहे, पब्लिक बढ़ा रही है अपनी होल्डिंग, जो कि एक रिस्की फैक्टर होता है। तो इसलिए अगर आप इस शेयर में पैसा लगा बैठे हैं या फिर लगा के अपने पहले से बाय कर रखा है और बाय करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्क के साथ ही बाय करें कि हाँ ये वो शेयर है जो बहुत ज़्यादा माइक्रो पैनी शेयर है, ये 90% तक अपनी कैपिटल को गिरा सकता है, आपके कैपिटल को खा सकता है। रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ स्टीरिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरीन एंड रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। तो गारमेंट्स में भी है और एसिड भी बनाते हैं कंपनी, छोटी सी कंपनी है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नॉन एडिबल ऑयल भी बनाती है यहाँ पे, नॉन एडिबल ऑयल्स भी बनाती है कंपनी, ठीक है। नॉन एडिबल मतलब एडिबल होते हैं खाने वाले, और नॉन एडिबल ऑयल्स होते हैं जो उन ऐसे तेल जिनका खाने में यूज नहीं किया था, अदर जगह पर यूज किया था, ठीक है। अदर आप कह सकते हैं मशीनी ऑयल्स हो गए, ऐसे कई टाइप्स के जो है ऑयल्स होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, अगर आपके पास ये शेयर है यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, स्टीरिक एसिड हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू की बात करते हो, 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था स्टीरिक एसिड से आया था और नॉन एडिबल्स ऑयल से आया था, ठीक है। तो इस टाइप्स की कंपनी का रेवेन्यू आता है स्टीरिक एसिड और नॉन एडिबल ऑयल से, इसका जो है रेवेन्यू आता है 88% का स्टीरिक एसिड से आया था और नॉन एडिबल ऑयल से, और गारमेंट सेक्टर से आया था उसको 12% का रेवेन्यू, ठीक है। तो गारमेंट्स वाली कंपनी जो है काम करती है। तो ये कंपनियां जो है बहुत ही छोटी होती हैं, यहाँ पर रिस्क पूरा पूरा मतलब 100% का रिस्क होता है यहाँ पर। अगर आप इन शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो वही पैसा लगाएं जिसको आपको पहले से सोच लेना है कि ये पैसा डूब भी जाएगा तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जब इस किसी कंपनी से ये उम्मीद कर सकते हो कि ये कंपनी एक साल में आपको कई गुना पैसा करके दे दे, तो आप उससे ये भी उम्मीद कर लेना, क्योंकि ये कंपनी शेयर, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर पैसा डूब भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 साल में 2020 के बाद कंपनी ने भयंकर रिटर्न्स बनाकर दिए थे, आप देख सकते हो यहाँ पर 2603% तक का रिटर्न, 3500% तक का रिटर्न बना के दिया था। और कंपनी जब भी रिटर्न बनाकर देती है कंपनी में गिरावट जरूर देखने को मिलती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न बनाकर दिए, इस जगह से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। अब यहाँ सेम चीज़ आ चुकी है, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सपोर्ट यहीं पर, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है शेयर, यहाँ से आ चुका है, यहाँ से दोबारा बाउंस बैक मारने की फिराक में है शेयर, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। बहुत ही अंडरवर्ल्ड शेयर है, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये वो शेयर है जिसमें 99% तक भी गिरने की क्षमता होती है, ठीक है। 1% तक आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो 99% तक गिरावट दिखा चुके हैं, अभी भी इस टाइम पर भी 1% ही बचे हुए हैं। तो इनको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, जितना रिटर्न से बनाकर देते हैं रिटर्न देने के मामले में हल्के में। देखो होता क्या है, ये प्रमोटर्स, ये ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाते हैं शेयर, मेरी बात ये है, ठीक है। तो जो शेयर ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट हो जाए, क्या है 49 करोड़ का ओनली मार्केट कैप है, कोई भी एक बंदा 4-5 बंदे मिलकर करके इसको ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। जब चाहे जब ऊपर ले जाएंगे, जब चाहे जब नीचे ले जाएंगे। तो मेन बात ये है कि ये ऑपरेटर ड्रिवन शेयर हैं, पैसा लगाओ तो आया या गया इस पर लगाना है आपको, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, कॉमेंट्स करके बताइएगा अगर आपने बाय कर रखे तो किस प्राइस पर बाय किए हैं, शेयर करके लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।